कौन सा मैं मैं हूं रियल मयंक और और आपका आपका स्वागत स्वागत है है आपके आपके फेवरेट फेवरेट चैनल चैनल ब्रोस ब्रोस रिएक्शन रिएक्शन में। में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं अरिजीत पाजी के न्यू सॉन्ग और कोबे पे। और ये गाना उन्होंने स्पेशली डेडिकेट किया है जो अभी केस हुआ था कोलकाता में, जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसका ब्रूटल रेप और मर्डर किया गया था आरजीएल मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो उस इंसिडेंट के ऊपर उन्होंने ये सॉन्ग रिलीज किया है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हमें सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके उसके बाद बाद डिस्कस डिस्कस करेंगे। करेंगे। सो सो लेट्स लेट्स गेट गेट स्टार्ट। জমছে এক পাহাড় অসহ্য বিচার, স্তব্ধ হয়েছিল তারা ব্যস্ততা হাজার, তাই যে মাই খেয়াল পেছনে দেয়াল, যে যেমন সে নিচ্ছি মেনে নাম দিয়ে কপাল। কেউ মরণ কাল, কেউ ভয়ে কাতর, কেউ বাণীর উপায় বা সহায় হয়ে পাথর। আর কবে, 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 আর কবে কণ্ঠ শক্তি পাবে, আর কবে, আর কবে চিত্ত স্বাধীন হবে, আর কবে, আর কবে সিক্ত হবে হৃদয়, আর কবে, আর কবে শির উঠে দাঁড়াবে, আর কবে, 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 এ ব্যথা আমার নয় শুধু একার, বিপ্লবী তিলোত্তমা করেছে অঙ্গীকার, লুটিয়েছে প্রাণ তাই ধরেছি গান, করছি প্রার্থনা বিফল না যায় সে বলিদান। আজ উঠুক জেগে সুপ্ত চেতনা, অন্ধকার হতে আলোকে হোক না পথ চেনা। আর কবে, আর কবে, আর কবে, আর কবে, আর কবে, আর কবে, আর কবে চোখ মেলে তাকাবে, আর কবে, আর কবে সমব্যথী হবে, আর কবে, আর কবে মনটা হবে স্বাধীন, আর কবে, আর কবে ফের ঘুরে দাঁড়াবে, আর কবে, আর কবে কণ্ঠ শক্তি পাবে, আর কবে, আর কবে চিত্ত স্বাধীন হবে, আর কবে, আর কবে সিক্ত হবে হৃদয়, আর কবে, আর কবে শির উঠে দাঁড়াবে, আর কবে, আর কবে गाइज। ये था ट्रैक और सीरियसली मतलब अरिजीत पाजी ने जो जो इस मतलब पूरे गाने के अंदर जो जो बातें बोली है कि और कब तक ये सब चलता रहेगा, और कब तक लोग बोलेंगे नहीं, और कब तक लोग झूठ के साथ खड़े रहेंगे, और कब तक लोग अपनी आवाजें स्ट्रांग नहीं करेंगे, और कब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, तो ये सारी जो बातें हैं, और कब तक मतलब मन एकदम फ्री होके हम घूम सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो ये सारी बातें जो अरिजीत पाजी ने इस गाने के थ्रू बताई है। और मतलब एंड में ये भी लिखा हुआ है कि वी वॉन्ट जस्टिस, क्योंकि जो कुछ कोलकाता में हुआ था तो अभी तक उसके उसको मतलब बिल्कुल भी जस्टिस नहीं मिला है। और जो प्राइम जो मतलब वहां की सीएम है
वो भी मतलब उनके खिलाफ इतना कोई कठोर एक्शन वो बिल्कुल भी नहीं ले रही है। अब ये ऐसा क्यों है या फिर सरकार भी इसके साथ मिली हुई है या क्या है वो तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन लिटरली ये जो बातें हो रही है, ये जो गाने, ऐसे गाने कोलकाता की हर गलियों में चलने चाहिए ताकि सारे लोग इकट्ठा होकर, पूरा भारत इकट्ठा होकर इसके ऊपर आवाज उठाए और इनको मतलब जल्दी से जल्दी न्याय मिले। और ऐसा मतलब अभी बीच में एक कोर्ट बहुत वायरल हुआ था कि कैंडल मार्च लेके कुछ हासिल नहीं होता है क्योंकि जिन्होंने इतना बुरा किया उनके साथ उतने मतलब उससे भी ज्यादा बुरा होना चाहिए। और लिटरली अरिजीत पाजी ने इतना कमाल का ये पूरा गाना लिखा है और गाना गाया है और उनकी वोकल आप सबको पता है कि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगती है। और जैसा इसने बोला ये गाना नहीं, ये सच है, ये अभी के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी था कि किसी ऐसे की तरफ से ऐसा कुछ आए जिससे लोग रिलेट कर पाए, लोग यूनिट एक यूनिट के साथ खड़े हो पाए। और ये बहुत अच्छा था कि उन्होंने अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज बंगाली में ये पूरा ट्रैक गाया है। सच में मतलब ये चीज सुन के जब हमने ये अखबारों में न्यूज में ये जब सुना था तो इतना ज्यादा बुरा लगा था कि एक ट्रेनी डॉक्टर, वो जो भगवान है लोगों के लिए, जो लोगों की जान बचा रही है, वो अपने काम पे थी और वहां पे उसके साथ इस तरह से रेप किया गया और उसे इतना बुरी तरह से मारा गया। ये जो आया था जब केस, तो उसी टाइम पे सबको बुरा लग रहा था, सब ने स्टैंड लिया, सब बोल रहे हैं कि भाई जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद वो सब ठंडा हो जाता है, फिर वैसा कोई केस आता है, फिर लोग उठते हैं और फिर लोग वही बातें करते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। जब तक जस्टिस नहीं मिले तब तक लोगों को एक साथ खड़े होना चाहिए, उनके परिवार के साथ या उस हर लड़की के लिए जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। और अभी अगर ये स्टेप नहीं लिया गया तो आगे पता नहीं और आने वाले टाइम पे और कितनी लड़कियां होंगी, क्योंकि हर दिन एक नया केस ऐसा सुनने में आता है। तो इस तरह से इनिशिएट सबको लेना चाहिए और सबको बोलना चाहिए, अपनी आवाज स्ट्रांग करनी चाहिए जिससे जस्टिस जितना जल्दी हो सके और जितना बुरा उन्होंने किया है वैसा का वैसा उनके साथ होना चाहिए। ये हम लोगों का ओपिनियन है इस बार। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये ट्रैक भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।